हफ्ते की कहानी में आप लोगों ने देखा कैसे एवेंजर्स फ्यूचर एवेंजर्स में अपग्रेड हो जाते हैं और अपडेटेड अल्ट्रॉन्स को हरा देते हैं। तभी वहाँ पे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान थानोस आ जाता है और वो अपनी सेना को लेके आरंभ करता है एंड फोर का। लेकिन तभी वहाँ पे हमारे एवेंजर्स को बचाने के लिए सुपरमैन आ जाता है और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को ब्लैक होल मिल जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं डार्क सिटी जहाँ पे फ्यूचरलैंडर्स ने उन्हें बुलाया होता है। और तभी वहाँ पे वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक और जगह के ऊपर और यूनिवर्सल अल्ट्रॉन और अपडेटेड अल्ट्रॉन आमने सामने आ जाते हैं। अब आगे अरे भाई ये क्यों किया कहां पे गए मैं अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकलिन कल वो एक डोर है सामने देखो। अरे हाँ ये एक डोर है। अरे यार ये कहां पे टेलीपोर्ट हो गए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ ग्रीचर मुझे जल्दी बता। ए, लेकिन चिंचन पिंचन कहां पे है। अरे हाँ चिंचन पिंचन तुम लोग सुन पा रहे हो। अरे यार उन लोगों की आत्मा कहां पे चली गई गाइस ये हो क्या रहा है जल्दी जल्दी गाइस यार मुझे नहीं पता सब्सक्राइब कर दो चिंचन पिंचन हमसे दूर हो चुके। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो हमसे मिल पाएंगे। तो गाइस यार हमें पता है ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक फ्यूचर सुपर डुपर फ्लैश की स्पीड से पहुंचना है जल्दी करो यार सब्सक्राइब। फ्रैंकलिन अंकल सामने देखो वो कौन है। अरे भाई साहब ये कौन है भाई। हेलो इनको मैंने कहीं पर देखा है। आप हो कौन। ए आगे बचाओ ये आपके लिए खतरा हो सकता है फ्रैंकलिन अंकल। नहीं पिंचर ये वही है मैंने इनको अपने सपनों में देखा था ये वही है। हेलो आप तो वही हो ना। आपके यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ आपकी सिटी के अंदर ब्लैक होल से होते हुए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप वही हो ना फ्यूचर लैंटर्न। मैं आपके पास आ चुका हूँ मुझे बताओ कि शिनचैन पिंचन को कैसे ठीक कर रहे वो रास्ता बताओ। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ फ्रैंकलिन यहाँ पे आ चुका है। आ गया फ्रैंकलिन मैंने तुझे बुलाया था तू बहुत मुश्किल के साथ आ चुका है। लेकिन मुझे बताओ आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया और आप मेरे हेल्प क्यों करना चाहते हो। मैंने देखा तू बहुत खतरे में है तो मैं सोचा तेरी हेल्प कर दूं क्योंकि ये जीरो ग्रह है यहाँ पे फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब टाइम के ग्रीन लैंटर्स यहाँ पे आते हैं। हम है फ्यूचर लैंटर्न यहाँ पे तुम्हारे ग्रीन लैंटर्न बहुत दिनों से नहीं आए हैं बहुत सारी दिक्कत आ रही है ब्रह्मांड में और मैंने सोचा लैंटर्न तुमसे ज्यादा जुड़े हैं क्योंकि तू उस ब्रह्मांड का टाइम कीपर था। लेकिन मुझे पता है कैंग ने तेरी गद्दी को ले लिया और तुझे टाइम कीपर से हटा दिया और तुझे ग्रीन लैंटर्न की जगह लैंटर्न की पावर सौंपा दी है। लेकिन कोई बात नहीं फिर भी मैं तेरी हेल्प करूंगा हमें ग्रीन लैंटर्न वापस चाहिए। कुछ पता है कि ग्रीन लैंटर्न कहाँ पे है। बहुत दिनों से हमने ग्रीन लैंटर्न को देखा भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स में यूनिवर्सल अल्ट्रॉन आ चुका है बहुत खतरनाक है उसे रोकने के लिए पूरे एवेंजर्स ने जी जान लगा दी लेकिन वहाँ पे कोई भी ग्रीन लैंटर्न नहीं आया। तो हमें नहीं पता कि ग्रीन लैंटर्न रातों रात कहाँ पे गायब हो गए और कहाँ पे चले गए। हमें पता तो मैं आपको बता देता बस मुझे वो रास्ता बता देना जिससे शिनचैन पिंचन को ठीक करा जा सकते। हमारी पूरी आर्मी अपनी पूरी जी जान लगा देगी हमारे शिनचैन पिंचन को बचाने के लिए। बस आप वो रास्ता आप वो आखिरी उम्मीद की किरण हमें बता दीजिए। हम पूरी की पूरी फोर्चुटोरा की आर्मी पूरी जी जान लगा देगी उनको बचाने के लिए। आप बता दो मैं तुम्हें उसका रास्ता बता दूंगा लेकिन वो रास्ता बहुत ही मुश्किल है। बाय द वे ग्रीन लैंटर्न का अचानक से गायब होना ये बहुत बड़ी पहेली है। हमें पास्ट के लैंटर्न से मदद लेनी पड़ेगी। पास्ट के लैंटर्न को संदेशा भेजा जाए हेल्प की आवश्यकता है। हाँ सर जी मैंने संदेश भेज दिया है ठीक है। ये हुई ना बात तो आप जीरो प्लेनेट के ऊपर पहुँच चुके हो आपका स्वागत है। मैं खुद इस ब्रह्मांड का फ्यूचर लैंटर्न आपका स्वागत करता हूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं बहुत साल पहले हमारे में से बहुत से लैंटर्न यानी लगभग 3 या 2 लैंटर्न मॉन्स्टर प्लेनेट के ऊपर जा चुके थे। उस प्लेनेट का नाम अब तक हमें पता नहीं चला इसलिए हम लोग उसे मॉन्स्टर नाम से बुलाते हैं। सर जी पता चल चुका है उस प्लेनेट का नाम है सिनिस्टर प्लेनेट। हाँ पता चल चुका है उसका नाम है सिनिस्टर प्लेनेट। सिनिस्टर एक ऐसा दुनिया का विशाल काय मॉन्स्टर जिसे अभी तक कोई भी सुपर हीरो रोक नहीं पाया। तो तुझे सिनिस्टर प्लेनेट जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद तुझे उस प्लेनेट के सबसे खतरनाक हुंकार मॉन्स्टर से बचते हुए तुझे हमारे लैंटर्न के वो 2 सूट लाने पड़ेंगे। वो 2 सूट अगर लाता है तो वो फ्यूचरिस्टिक सूट है उसके अंदर हम शिनचैन पिंचन की आत्मा
डाल सकेंगे और उन्हें जिंदा कर सकेंगे। लेकिन याद रख, वो पूरा प्लेनेट मॉन्स्टरों से भरा पड़ा है। वहाँ पे चींटियों के जैसे मॉन्स्टर पैदा होते हैं और एक एक मॉन्स्टर इस यूनिवर्स का विशालकाय मॉन्स्टर थैनोस की जितनी पावर लगता है। सो थैनोस मिलके वहाँ का एक मॉन्स्टर बनता है, तो सोच वो प्लेनेट की क्या पावर होगी। हाँ चलेगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा अपने शिनचान पिक्चर को बचाने के लिए। एक थैनोस क्या, ऐसे 100 थैनोस भी आ जाएंगे तो मेरी टीम फोर शूटर आर्मी उससे डरने नहीं वाली। चलो एवेंजर्स, हाँ आप ही को कह रहा हूँ, टीम फोर शूटर्स आप मेरे एवेंजर्स जो मुझे सुख दुख में सब में साथ देते हो, आप ही हमारा सबसे खतरनाक पावर हो। आप भी हमारे एवेंजर्स हो, आप हो टीम फोर शूटर्स के सबसे चहेते एवेंजर्स। आ रहा हूँ मैं सिनिस्टर प्लेनेट तेरे प्लेनेट को तबाह करने और शिनचैन पिंचैन को जिंदा करने। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जाओ, मैंने पोर्टल ओपन कर दिया है, सीधा तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे सिनिस्टर प्लेनेट। और थोड़ा संभाल के, क्योंकि एक मॉन्स्टर लाखों की तादाद रखता है। ओके चलेगा, मैं जा रहा हूँ ग्रिंजे द्वारे। ए नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है। ओके ओके, तू अपना काम कर ले यहीं पर। चलेगा फ्रैंकलिन, यहीं पर रहेगा ग्रिंजन, तू भी चलेगा। तो चलो 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 चलो, मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आ रहा हूँ सिनिस्टर प्लेनेट शिनचैन पिंचैन को बचाने के लिए। ये वो कह रहा है, ये कहाँ पे आ गया, ये दुनिया कौन सी है, इतना अंधेरा क्यों है। मुझे लगता है मैं पहुंच चुका हूँ सिनिस्टर प्लेनेट। ये कौन सी जगह है, लगता है ये कोई बेस है। मैं किसी बेस के ऊपर पहुंच चुका हूँ, लेकिन इतना हाईटेक बेस किसका हो सकता है। यार यहाँ पे क्या है, ये कैसी चीज है। यार ये तो बहुत बड़ा हाईटेक टैंक लग रहा है, ये कोई व्हीकल लग रही है। लेकिन यार ये कौन सी जगह है, और यहाँ पर रेड लाइट क्यों लगाई है, कुछ समझ नहीं। और ये जमीन ऊपर क्यों आई है, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। और ये पीछे से शोर कैसे आ रहा है, मुझे आगे जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ है क्या। जल्दी जल्दी देखता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे लगा था यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है। ये क्या, ये कौन आया है, बाहर आ जा। ये कौन आया इस ग्रह के ऊपर, बाहर आ जा, बाहर आ, बाहर आ। अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है, ये कौन है, बाहर आ जा, जल्दी आ जा। ये मेरी बात नहीं सुन रहा, सेना हमला करो। अबे ये क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक माइक ऑप्शन है, इसको ऑन कर देता हूँ। इतनी सारी आर्मी, इतनी सारी आर्मी एक साथ चिल्ला रही है। और भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, इसको मारो। ये लैंटन के बेस के ऊपर क्या कर रहा है, ये बेस लाखों साल पुराना है, यहाँ पे आने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। सेना हमला 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 हमला। अरे भाई सब, ये कैसे चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी सेना, ये पूरे सेना के बीच में एक कंटेनर के अंदर मैं बंद हूँ। चारों दिशाओं में पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे जाऊँ। और करोड़ की तादाद में इनकी सेना, कैसे बचूं इनसे। गाइस कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे, इनसे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यार यहाँ पे कहीं पे भी मुझे वो सूट नहीं दिखाई दे रहा जो लैंगटन का सूट था, जिन्होंने मुझे लाने के लिए कहा था उसके अंदर पिक्चर को रख सकते। कहाँ पे वो सूट, यहाँ पे तो नहीं है। बगल वाले में है क्या, लेकिन बगल वाला तो यार ब्लॉक है। ओपन हो जा यार, बाहर से बहुत जोर से चिल्ला रहे लोग। अरे यार यहाँ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, क्या करूँ यार, इतनी सारी सेना। नहीं 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 नहीं, ये अंदर नहीं आया, बच गया। बाहर आ जा, नोच के खाएंगे तुझे। तो सिनिस्टर प्लेनेट पाने की जरूरत कैसे की, आ जा बाहर। अरे यार ये शीशा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसका आधा पैर बाहर है, नहीं तो यार पूरी बॉडी अंदर आ चुकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ। गाइस क्या करे, कहाँ पे और सूट, वेट, वहाँ पे उतनी बड़ी क्या चीज है। अरे यार मुझे लगता है उसी जगह के ऊपर मुझे सूट मिलने वाला है। देखो ना यहाँ पे सारी जगह के ऊपर ये मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ पे लाल लाल चीज दिख रही है, मुझे लगता है पक्का वही पे चीज होने वाली है। हमें उस जगह के ऊपर जाना है, लेकिन इस चक्रव्यूह से हम निकले कैसे। ये हमारा अपवित्र स्थान है, यहाँ पे ब्रह्मांड के अनगिनत शक्तिशाली तबाही करने वाले मॉन्स्टर आते हैं। तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छाई नहीं रह सकती, अच्छाई नहीं रह सकती। लेकिन अच्छाई एक हो या 10 हो, लेकिन वो हजारों के बराबर होती है, तू भूल चुका है कमीने। क्या कहा, बस तू इस कंटेनर से बाहर निकल। अब मैं जादू टोना करके
सारी टेलीपोर्टेशन को ब्लॉक करता हूँ। क्या क्योंकि ये हुआ क्या? अरे सारे डोर बंद हो गए, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? कुछ समझे मुझे। अब दिखा क्या है तेरी पावर्स। ऐसी बातें अब ये टाइम आ चुका है रेम्बो लैंटर्न बनने का। नहीं, मैं अभी यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने रेम्बो लैंटर्न यूज किया, अगर पता चला कि रेम्बो लैंटर्न की पावर कम पड़ गई इन सारी आर्मी को मारने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ? ओके यहाँ फेंकेंगे। अब तेरी वाट लगा तो रुक जा। ये फ्यूचरिस्टिक टैंक मुझे लगता है लैंटर्न का होगा। अब ये टैंक को लेके मैं इनके बीच से रोने वाला हूँ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से लगता है ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होने वाले हैं। इनको मारने के लिए मुझे अपनी पूरी चीजें लगानी पड़ेगी। तेरी ऐसी की जैसी। हाँ ये ले। हाँ ये क्या कर रहा है? मैं ये सीधा तोड़ के उल्टे का ऊपर जा करूंगा। हाँ ये ले। फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। इसको रोको, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फंसने नहीं वाला। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। उसको रोको, क्या कर रहे हो कमीनो? फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। ये क्या, इनके पास तो जादू ही पावर से। मुझे ऐसे जल्दी जल्दी वहाँ पे निकलना पड़ेगा। चलो 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 चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये टैंक की पूरी पावर यूज करके हम चल रहे हैं वहाँ पे। आ रहा हूँ मैं उस सूट को लेने के लिए। मैंने पूरी आर्मी को रोन दिया, कैसे वैसे करके बाहर निकल चुका हूँ। रुक जाओ, वैसे भी वो मौत के कुएं में जा रहा है। वहाँ पे जाने के लिए हम कभी सोचते भी नहीं। वहाँ पे ब्रह्मांड का सर्वनाश रहता है। इसका नाम सुन के सारे विलन थर थर कांपने लगते हैं। उसका नाम है सनस्टार, और वो सनस्टार ग्रह के ऊपर जाके उसी के घर में घुस के चोरी करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कूल हो जाओ बॉयज, डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी वो मरने वाला है। अबे यार कैसे बेवकूफ मॉन्स्टर है, कह रहे थे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली हम यहाँ पे पहुँचने वाले। तो चलो 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 चलो, मुझे लगता है यहीं से कहीं से तो एंट्रेंस होने वाली है। क्या ये कार उड़ती भी है? अरे ये क्या, ये उड़ भी नहीं पा रही। अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ? तो हेल्प करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या करे? अरे पिंकली निकल, मैं आ चुका हूँ। क्या कहाँ पे? अरे ग्रिंचर तू यहाँ पे? मैं आ चुका हूँ, जल्दी अंदर आ जाओ। अबे मैं वैसे नहीं आ सकता, एक काम कर तू, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी नली घुसा देता हूँ और सीधा मैं इसके अंदर टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। ओ भाई साहब, फाइनली मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया पिंकली निकल, इसको उड़ाओ जल्दी, नहीं तो मास्टर पीछे आ जाएंगे। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, ग्रिंचर तू इसके लिए रुका था वहाँ पे। एक और सरप्राइज लाया है मैंने। अरे भेज क्या, क्या सरप्राइज आया है? वो आपको बाद में पता चलेगा। अरे चलो 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 गाइस, यहीं पे हमें जाना है, यहीं पे मुझे कोई तो डरावनी चीज लग रही है, यहीं पे हमें जाके कुछ ना कुछ तोड़ मिलने वाला है। ऊपर चलने का टाइम आ चुका है गाइस, चलो चलते अपनी पूरी पावर के साथ इस ग्रह के इस टॉप पे। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या चीज है? इसको देखते भी मुझे डर लग रहा है। गाइस आप सब लोग देखो, ये चीज है क्या? ये किसका तो सबसे खतरनाक मुंह लग रहा है। इस लग रहा है मैं कोई ब्रह्मांड के सबसे पाताल लोक में जा रहा हूँ। अरे यहाँ पे क्या हो गया? पिकलिंग किल, ग्रेविटी कम हो गई, एक अप करो लैम्बोर्गिनी में, तब चलो जाओ। अरे भाई साहब, हाँ अच्छा हुआ गाइस यार, यहाँ पे हम लैम्बोर्गिनी में टेलीपोर्ट हो गए। ओके पिकलिंग किल, मैं डिक्की में हूँ। अबे तू डिक्की में कैसे हो गया? मैं टेलीपोर्ट हो गया था, मुझे ग्रीन लैंटर्न ने टेलीपोर्टेशन के 2-3 टेक्निक सिखा दी है। अरे लेकिन मेरी स्पेसशिप की तो वाट लग चुकी है, मैं इस कुएं में जाऊँ या नहीं जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस प्लीज मुझे बताओ कमेंट में, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, तभी हम इस गुफा के अंदर जाने वाले। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। ये क्या, मेरे लैम्बोर्गिनी की लाइट भी चमक रही है? यहाँ पे तो गाइस लाइट भी नहीं चल रही, मैग्नेटिक फोर्स भी कम है। क्या करे क्या करे? निकल पैनिक मत हो जाओ, हमारे पूरे रिवर्स आपके साथ है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते पूरी शिद्दत से, हम नहीं डरते इस केव के अंदर, हमारे डरने की क्या बात है जब हमारे विवश हमारे साथ है। चलो 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 विवश, हम सबको एक साथ ये बड़े गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे लगा था ये बहुत छोटी गुफा होने वाली, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये इतनी बड़ी गुफा है कि यार इसके अंदर कौन सा मॉन्स्टर रहता होगा? ये तो गॉड टाइटन से भी बड़ी गुफा है। गॉड टाइटन तो इतना बड़ा था, लेकिन इसके अंदर तो गॉड टाइटन का पूरा शरीर समझ आएगा, इतना बड़ा। यहाँ पे गॉड टाइटन तो नहीं रहता? नहीं, मैंने स्कैन किया है, यहाँ पे लावा का एक भी अंश नहीं है। गाइस ग्रिंचर ओपी द चैट, गाइस ग्रिंचर ऐसा प्यारा मेरा दोस्त है जिसको देख के मुझे पहली बार ऐसा लगा यार अच्छे हो तो मेरे साथ है। पूरी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी हाई टेक फ्रीक्वेंसी तुझे पता चल जाती है चुटकियों में, तू मेरा सबसे प्यारा रोबोट है। क्या कहा? बस रिपोर्ट। अरे बेस क्यों 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 ग्रिंचर? यहाँ पे सूरज निकल चुका है। क्या
कहा अंधेरी दुनिया में भी सूरज निकलता है। वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक है ना। अरे सही कहा, हमें अरे गुफा के अंदर जाना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे पूरा गर्माहट हो रही है, सूरज मुझे लगता है बहुत ही करीब है और बहुत ही नजदीक है। इसकी वजह से हम जल ना जाए, हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जिससे हम जल सके। यार अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पे तो दो रास्ते, कहाँ पे जाए? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट गाइस, कहाँ पे जाए? जल्दी कमेंट में बताओ कहाँ पे जाए। ओके यहाँ पे चलते हैं। मुझे क्रिंचन पिंचन को जल्दी जल्दी और चिंचन को भी ठीक करना पड़ेगा। हाँ मैं अपनी पूरी शिद्दत विद्या से आ रहा है रेनबो लैंटर्न। ए अपनी अपनी पावर क्यों यूज नहीं की? फ्रिकलेंट किल नहीं यूज कर सकता। अगर मैंने रेनबो लैंटर्न की एक भी पावर यूज कर दी तो कोई दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जल्दी जल्दी इस गुफा के अंदर चलते हैं। अरे भेस क्या, आखिर तो बहुत ही नीचे जाते जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। ए फ्रिकलेंट किल चलो ना, डरते हो क्या? नहीं डरता, मैं नहीं डरता। चलो 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 गाइस चलते हैं। हाँ चलते हैं पूरे नीचे। व्हाट यहाँ पे खाइए? नहीं 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 नहीं। अरे भेस क्या, ये तो खाइए, खाई में चले गए। नहीं अच्छे से बैठ। मैं अच्छे से बैठा हूँ, पकड़ के डिक्की के अंदर हूँ। अरे भाई साहब डिक्की के अंदर कोई गड़बड़ होना चाहिए। शिट हम बहुत बड़े खाई में आ चुके हैं, उतर जाए उतर जाए जल्दी। पूरी लैम्बोर्गिनी उल्टी पुल्टी हो चुकी है। अरे भैंस क्या, डोर टूट गया लैम्बोर्गिनी का। अरे अब हम बाहर कैसे जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए? अरे भैंस क्या क्या फिर से यार, सन्नाटा हो गया, पूरा अंदर हो गया। निकले निकले मुझे यहाँ पे, सूरज जल्दी ढलता है। अरे भाई साहब क्यों निकल रहा हूँ? अंकल ये कौन सी जगह है? ए, 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 ए। और यार मुझे खुद को नहीं पता ये कौन सी जगह, लेकिन देख के तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या ऐसा लग रहा है? यहाँ पे कौन सा दानव रहता होगा? यहाँ पे कोई तो राज करता है। अरे वो देखो वहाँ पे कौन है, वो लगते है वो ये सूट। अरे हाँ वो सूट है, फाइनली हमें सूट मिल चुके। जल्दी जल्दी आजा, जल्दी जल्दी सूट को लेते और निकलते यहाँ से। अरे बेस के आके तो दो सूट है, हमें भी तो दो सूट चाहिए थे। अरे हाँ हाँ हमें भी दो सूट चाहिए। फाइनली गाइस हमें ये सूट मिल चुके हैं जो कि यार हमारे चिंचन पिंचन को एक बॉडी का ढांचा दे सकेंगे। तो चलो इसके लेके चलते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? और कैसे, हमारे गॉड एवेंजर्स में लैम्बोर्गिनी आजा। चल जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर बैठ दे, मैं सबको इस डिक्की के अंदर डाल देता हूँ और तू गाड़ी के अंदर बैठ जा। ओके तो पीछे की डिक्की बंद हो चुकी है, अब चलते फ्रैंकलिन कल ट्रांसफॉर्म हो जाओ गॉड एवेंजर्स में लैम्बोर्गिनी अपग्रेड। तो हम बन चुके हैं गॉड एवेंजर, अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अरे ये हिल क्यों रहा है? अरे फ्रैंकलिन कल मुझे नहीं पता ये हिल क्यों रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या पे हो क्या रहा है? और तेरे से पूरी जगह हिल रही है, हम लोगों को कैसे निकलना पड़ेगा क्रिंचन? ये सूट तो ले लिए, अब क्या करते हो? चलो गाइस जल्दी लाइक कर देना जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। और हाँ तो आज सब्सक्राइब भी कर देना, और मिले सब्सक्राइब बटन के। चलो 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 चलो। और गाइस एक सबसे खतरनाक सीन मुझे याद आ गया, मुझे कमेंट में बताओ कि हम लोग अलग टाइप की सीरीज भी शुरू करें क्या? एक दिन में दो वीडियो बताओ जल्दी। अरे उसका टाइम क्या होने वाला है? मैं सोच रहा था 6 बजे शाम का छोड़ दो, 9:30 को यानी 9:25 वीडियो आएगी, क्या बोलते हो गाइस कमेंट में बताओ। अरे ये वो टाइम नहीं है बोलने का, बाहर भी बोल सकते थे, पत्थर गिरने वाले हैं। अरे यार हमारे व्यूअर्स के लिए जान चली जाती तो भी चलेगा, लेकिन गाइस आपके लिए बताओ कमेंट में क्या चाहिए। चलो चलते अब यहाँ से, ये बहुत खतरनाक जगह है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो 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 गाइस चलते, और कमेंट में जरूर बता देना कि हम सब लोग क्या दिन में दो वीडियो डाले, अलग टाइप की सीरीज को भी आराम करते। फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं। ये क्या चीज है अंकल, ये क्या बला है? अरे ये बला नहीं है भाई साहब, कितना बड़ा है। मुझे लगता है वो जो गॉडज़िला था हमारे हाथ के ऊपर आया था, जो यूनिवर्सल गॉडज़िला था, उसने इसको भेजा होगा। लेकिन इसका इरादा सही नहीं लगता है। तो हमारा भी इरादा क्या सही है? ऐसे लोगों से हम नहीं डरने वाले। चलो हमला। मुझे मारा तूने? हाँ मैंने मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लेनेट के ऊपर आने की? ये मेरा प्लेनेट है, तू कौन है? मेरी तरह दिखता है लेकिन तू पावरफुल नहीं है। वो देख गया ना तुझे कौन पावरफुल है। हाँ ये तो मेरे से भी ताकतवर है, मैं छोड़ने नहीं वाला तुझे। आजा आजा। हाँ ये मेरे से कोई भी ताकतवर नहीं है, मैं हूँ सर्वशक्तिमान अल्टीमेट अल्ट्रॉन। मैं भी हूँ यूनिवर्सल अल्ट्रॉन, यूनिवर्सल अल्ट्रॉन अल्टीमेट अल्ट्रॉन से बहुत ताकतवर है। हाँ ये ले। अल्टीमेट अल्ट्रॉन, अल्टीमेट अल्ट्रॉन, अल्टीमेट अल्ट्रॉन, ये ले। नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे हराया तूने, अब तुझे छोड़ने वाला अपनी पूरी असली पावर के साथ मैं आ रहा हूँ। हाँ ये ले। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों के दोनों लेवल के टक्कर देने वाले, ये हो नहीं सकता। अल्ट्रॉन बस एक ही ताकतवर हो सकता है, दो अल्ट्रॉन एक दूसरे के लेवल के नहीं हो सकते, बराबर कैसे हम लोग? हाँ ये ले। नहीं पता मुझे ये कैसे पॉसिबल है। अब ये टाइम आ चुका है तेरा अंत करने का। आजा 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 आजा।
जले। ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे कैसे मार सकता है तू? हाँ ये ले फुल्ली पावर। मुझे मारा तूने, अब अल्टीमेट अल्ट्रॉन तुझे बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अल्टीमेट पावर के साथ तेरा मैं अंत करूंगा। ये ले ये ले ये ले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन सी पावर है? ऐसी पावर तो बस मेरे पास थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अल्टीमेट अल्ट्रॉन ताकतवर था, ताकतवर है और ताकतवर रहेगा।